नैब की तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को क्लीन चिट, शामिल तफ्तीश होने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा। एहतसाब, अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा। सदर आसिफ अली जरदारी के वकील ने अदालत को बताया कि आसिफ जरदारी को 5 साल के लिए सदाती इस्तिस्ना हासिल है। रेफरेंस से मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिश से सड़कें, गलियां, शॉपिंग मॉल, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट सब कुछ डूब गया। बरसात ने 75 साल रिकॉर्ड तोड़ डाला। दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई। शारा शेख सैद पर गाड़ियां तैरने लगी। बुर्ज खलीफा के सामने भी पानी जमा। शारजा की सड़कें भी नहरों में तब्दील। तालीमी इदारे और दफातर आज भी बंद। अमले को घरों से काम की हिदायत। ओमान में भी सैलाबी सूरत हाल। हादसात में 21 अमवात। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। क्वेटा समेत कई इजला में वक्फे वक्फे से बारिश। गवादर में नशेबी इलाके जेर आब आ गए। पानी घरों में दाखिल। कई देहात का जमीनी राबता मुनकता। जूनी, तुरबत, खुजदार, पंजगोर, कलात, नौकंडी और दालबदीन में बादल बरस पड़े। सिलसिला आज रात तक बालाई इलाकों तक फैलने का इम्कान। खैर पख्तूनख्वा में 21 अप्रैल तक बारिश की पेश गोई। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पंजाब के जिला भी अपनी लपेट में। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में भी ताकतवर सिस्टम की एंट्री। गहरे बादलों का राज। आज रात से बारिश का इम्कान। कल और परसों कहीं दरमियानी शिद्दत, कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। गरज चमक और तेज हवाएं भी मुतवक्के। जनूबी सिंध के कई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। सरकारी नर्स पर रोटी और नान की फरोख्त की मॉनिटरिंग करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अरकान सूबाई असम्बली को मुलाकात में हिदायत। अरकान असम्बली का मुख्तसर वक्त में अवाम दोस्त प्रोजेक्ट शुरू करने पर वजीर आला को खराज तहसीन। वजीर आला ने कहा कि देही और बुनियादी मराकज सेहत को 6 माह के अंदर रिवैम्प किया जाएगा। 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। 600 सड़कों की तमीर और मरम्मत होगी। 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। और गैस महंगी से महंगी तरीन हो रही है। आटे के नर्ख कम नहीं हुए तो रोटी कैसे सस्ती कर दें। पंजाब नान बाय एसोसिएशन के सदर वहीद अब्बासी की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। सवालात हुकूमत पंजाब के सामने रख दिए। दावा किया कि अभी तक किसी अहदेदार ने आकर बातचीत नहीं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।